मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल आपका दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम है कि हम अपने टीम में लीडर्स को ज्वाइन कैसे करवाएं, कहां ढूंढे लीडर्स को, कहां तलाश करें लीडर्स की। आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लीडर तलाश करने की इंडस्ट्री नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आम आदमी को लीडर बनाने की इंडस्ट्री है। तो आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण और कितना जिम्मेदारी वाला काम आपको मिला है। आप आम आदमी को लीडर बना सकते हैं। रामायण में जैसे हनुमान जी के लिए जो भूमिका जामवंत ने अदा की थी, हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद नहीं थी, जामवंत ने उनको याद दिलाया कि आपके अंदर शक्तियां हैं। वही काम आपको लोगों के लिए करना है, यानी आपको लोगों के लिए जामवंत बनना है। आपको एक आम आदमी की शक्तियों को जगाने में उसकी मदद करनी है। कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ ये बिजनेस ज्वाइन कर रहा है वो किसी आम बैकग्राउंड से आया है, और आमतौर पर आम जीवन में होता क्या है कि हम हमारे सपनों पर कोई यकीन नहीं करता। जब हम छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो लोग हम पर यकीन नहीं करते। और इस तरीके की बातें हमें सुनने को मिलती है कि भैया जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, पैसा पेड़ पे नहीं फलता, पैसा आसमान में नहीं लगता, पैसा कमाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, ज्यादा हवा में मत उड़ो नहीं तो मुंह केवल जमीन पर गिरोगे। इस तरीके के डायलॉग सुन सुनकर हम लोग बड़े होते हैं। तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। तो आपकी उस डाउनलाइन ने भी ये मान लिया है कि मैं जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, और इस नेगेटिविटी की जड़ें उसके मस्तिष्क में बहुत गहराई तक जा चुकी हैं। तो जब आप उसको प्लान दिखाते हैं और जब आप उसको ये बताते हैं कि अगले 2 से 5 साल में आप वो कर सकते हो जो पिछली पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए, और आप शायद वो कर जाओगे अगले 2 से 5 साल में जो पूरी जिंदगी में आप कभी नहीं कर पाते किसी दूसरे माध्यम से। तो जब आप उसको ये बताते हैं कि आप अमीर बन सकते हो, जब आप ये बताते हैं कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं, जब आप उसको ये बताते हैं कि आप बेहद कामयाब हो सकते हैं, तो उसको ये बात यकीन नहीं आती। इस बात पर उसको यकीन नहीं आता, उसको विश्वास नहीं होता, उसको भरोसा नहीं होता कि क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। वो लोगों को देख रहा है कामयाब होते हुए, लेकिन उसको खुद पे यकीन नहीं है। वो लोगों को देख रहा है आगे बढ़ते हुए, वो लोगों को देख रहा है कारें खरीदते हुए, वो लोगों को देख रहा है बंगले बनाते हुए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से कामयाब होते हुए, लेकिन उसको ये लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। अब ये बातें उसके दिल दिमाग में बहुत गहराई तक जा चुकी है। अब अगर आपको उस व्यक्ति को लीडर बनाना है तो सबसे पहला काम कि आपको उस व्यक्ति पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको उस व्यक्ति पर यकीन करना पड़ेगा। आज तक किसी व्यक्ति ने उस पर यकीन नहीं किया है, आज तक किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया है, मगर आपको करना है, और यही बात आपको जतानी भी है। बार बार आप ये बात आपको अपने डाउनलाइन से बोलनी है कि आप कामयाब हो सकते हैं, मुझे आप पर यकीन है और मैं आपके साथ हूं। आप कामयाब हो सकते हैं, मुझे आप पर यकीन है, मैं आपके साथ हूं। आई रिपीट, आप कामयाब हो सकते हैं, मुझे आप पर यकीन है और मैं आपके साथ हूं। ये 3 बातें आपको बार 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 उस व्यक्ति से बोलनी है। शुरू शुरू में उसको आपकी बातों पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन आपको बार बार बोलना है, और आप उस पर यकीन करें, सच्चा विश्वास रखें कि वो व्यक्ति चमत्कार कर सकता है। सामान्य सा दिखने वाला वो व्यक्ति चमत्कार कर सकता है, वो आपकी टीम का एक बहुत दिग्गज लीडर साबित हो सकता है। आपको ये विश्वास करना है, ये भरोसा करना है। अब हो सकता है शुरू शुरू में आप भरोसा करें और उस तरीके से रिजल्ट ना मिले, वो व्यक्ति उस तरीके से काम ना करे, हो सकता है वो लापरवाही करे, हो सकता है कि वो कुछ ऐसी हरकतें करे कि आपको ये लगने लगे कि क्या ये वाकई में मेरा भरोसा उस पर करना जायज है, सही है। लेकिन उस परिस्थिति में भी आप मेरी बात याद रखिए, उस व्यक्ति पर आपको यकीन जारी रखना है, उस व्यक्ति पर भरोसा जारी रखना है। कब बदलाव आएगा, कब परिवर्तन आएगा, ये आपको मालूम नहीं है। आपको भरोसा, आपको विश्वास कायम रखना है, और बार बार उसको ये जाहिर करते रहना है कि मुझे आप पर विश्वास है। वो छोटी सी भी कोई सफलता हासिल करे, वो छोटा सा भी कोई काम करे, आपको एप्रिसिएट करना है, आपको तारीफ करनी है, आपको उस व्यक्ति को बार बार ये याद दिलाना है कि आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, आप एक अच्छी लीडर बन सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, मैं आपके साथ हूं और मुझे आप पर यकीन है। बार बार आपको ये बातें याद दिलानी है। धीरे 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 आपका यकीन चमत्कार दिखाने लगेगा, धीरे 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 आपका यकीन परिणाम लाने लगेगा, और आपको आश्चर्य होगा कि सामान्य से दिखने वाला वो व्यक्ति आपके टीम का हीरो बन सकता है, आपके टीम का लीडर बन सकता है। लेकिन वो आपकी बातों पर यकीन तब करेगा, ये याद रखिए, यकीन तब करेगा जब आपकी आंखों में उस व्यक्ति को अपने लिए सच्चा प्यार नजर आएगा। आप खाली मुंह से बोल देंगे मुझे आप पर भरोसा है, तो उससे होने वाला नहीं है। आपकी हरकतों से, आपकी एक्टिविटीज से उसको लगना चाहिए कि आपको उस पर भरोसा है।
आपके बातचीत से, आपके आपके तरीके से, तौर तरीके से उसको ये लगना चाहिए, उसके आपके व्यवहार से उसको ये लगना चाहिए कि आप उसकी कामयाबी के प्रति चिंतित हैं। आपकी आंखों में अगर उसको अपनी कामयाबी की तड़प नजर आती है, अगर आपके दिल में उसको अपने लिए प्यार नजर आता है, तो यकीन मानिए वो आपकी हर बात पर यकीन करने लगेगा, आपकी हर बात को मानने लगेगा और आपकी हर बात पर काम करने लगेगा और धीरे धीरे वो लीडर के रूप में कन्वर्ट होने लगेगा। धीरे धीरे उसके अंदर छुपा हुआ लीडर बाहर आने लगेगा और एक दिन आपको आश्चर्य होगा कि सामान्य से दिखने वाला वो व्यक्ति चमत्कार कर जाएगा। तो आप लोगों की जिंदगी बदलने के व्यापार में है, आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने ज्यादा लोगों को आप लीडर बनाएंगे उतनी बड़ी कामयाबी आप हासिल करेंगे। इस काम में आप पूरे दिल से, पूरे दिलो जान से लगे रहें। आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।